हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे भी होंगे। चलिए, आप लोग जब अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग यूनिट 2 यानी विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, फिर गॉस का नियम, फिर कूलाम के नियम, ऐसे से एक्स्ट्रा आपके कुछ ऐसे से चीज़ें हमने पढ़ा था, उन पर जो NCERT के क्वेश्चन के अभ्यास थे उसको भी हमने सॉल्व कराए थे। अब आज हम जो है विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से हर एक बच्चे जानते होंगे कि आपका जो टाइम टेबल है, जो आपका परीक्षा का एग्जाम है, समय सारणी है, वो आ चुका है। तो उस हिसाब से जो है फिजिक्स का पेपर तो 2-3 पेपर के बाद ही है लगभग, आप देख सकते हैं जाके टाइम टेबल में, जो कि हमारे अपने या आपके इस चैनल पर बताया गया है टाइम टेबल कब था कब नहीं था, समय सारणी सौरभ सर बताए होंगे उसके बारे में। तो चलिए, आज हम लोग जो है आपको फिजिक्स के उन जब तक फिजिक्स के आपके पेपर नहीं होते, आपको वो चीज़ें दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और एक ही बार पढ़ना है। अब एक ही बार पढ़ने का मौका आपको मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, तो आप एक बार में ही पढ़ो और एक बार पढ़ने के बाद आपको वो क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक। तो आपके पास समय कम बचे हैं, उतने कम समय में ही ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस 99% तैयारी कराने का जिम्मेदारी लेता है। तो चलिए, अब आपको टाइम का ना नुकसान करते हुए अपने क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होता है, क्या होता है विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, इससे पिछले वाले दो चैप्टरों में हमने क्या किया था, एक आवेश को लेते थे और रख देते थे और उसके बारे में अध्ययन करते थे। आवेश को हिलाते डुलाते नहीं थे। अब क्या है, आवेश को हम लोग हिलाएंगे डुलाएंगे, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, वो क्या उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना होगा। तो विद्युत धारा क्या होती है, तो आपको बताया गया विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश अपान क्या होता है, समय होता है। क्या होता है? आवेश अपान समय। आवेश होता है Q, क्या होता है? आवेश होता है Q और समय क्या होता है? T। यानी I इक्वल टू क्या आ गया? Q अपान T। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां से परिभाषित कर सकते हो विद्युत धारा के बारे में क्या बता सकते हैं, आवेश की प्रवाह दर को, आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश और समय का अनुपात ही विद्युत धारा कहलाता है। इसे हम लोग I से व्यक्त करते हैं, I विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। डियर स्टूडेंट, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या लिखना चाहोगे? अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। चलिए, विद्युत धारा कहलाती है, इसे I से व्यक्त करते हैं, I इक्वल टू T क्यू अपान T। अब इसके मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक, तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक आपने पढ़ा कूलाम होता है। T, T का मात्रक होता है सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड, या क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। यह कौन सी राशि होती है? तो प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी परिपथ में धारा को दिखाया जाता है, जैसे आप लोग कोई परिपथ बनाते हैं तो उस परिपथ में धारा के दिशा को दिखाते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो धारा की दिशा को नहीं दिखाते प्यारे बच्चों, वो आवेश के प्रवाह की दिशा को दिखाते हैं, यानी आवेश को दिखाया जाता है, आवेश इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग इसको देखकर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि ये धारा की दिशा, तो बताओ धारा अदिश राशि कैसे हुई? तो प्यारे बच्चों, ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, ये जो विद्युत धारा होती है ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। प्यारे बच्चों, कभी कभी जो है शॉर्ट नंबर में एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं, एक एम्पियर धारा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों,
ध्यान से समझिएगा, ये क्या है टी है, ये क्या है क्यू है, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या होगा, यदि Q बराबर क्या हो जाए, एक कूलाम हो जाए, और T बराबर क्या हो जाए, एक सेकंड हो जाए। जरा सा कहने का बात समझिएगा, यदि Q का मान क्या हो जाए, एक कूलाम हो जाए, T का मान एक सेकंड हो जाए, तब जो करंट होगी वो करंट किसके बराबर होगी, एक एम्पियर के बराबर होगी। तब प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तब प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा एक एम्पियर होगी। क्या होगी? एक एम्पियर होगी। डियर स्टूडेंट जरा सा समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। एक एम्पियर धारा क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि एक सेकंड में, यदि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो वो बहने वाली धारा क्या होती है, एक एम्पियर होती है। क्या हमने बताया डियर स्टूडेंट, यदि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं किसी परिपथ में तो बहने वाली धारा क्या कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है। तो ये विद्युत धारा के बारे में आपका टॉपिक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें अगली टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। अगली टॉपिक क्या आती है, धारा घनत्व क्या होता है। डियर स्टूडेंट धारा घनत्व क्या होता है, आइए उसको बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। जरा सा धारा घनत्व ध्यान से समझिएगा, धारा घनत्व क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जे से। किससे व्यक्त करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। बराबर क्या होता है, धारा क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा होता है प्रवाहित होने वाली धारा। और यहाँ होता है क्षेत्रफल, किसका होता है, क्षेत्रफल। ऐसे लिखेंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ परिच्छेद, परिच्छेद का क्षेत्रफल। जरा सा समझिएगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, तो जे बराबर प्रवाहित होने वाली धारा आई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए हो गए। तो प्यारे बच्चों ऐसे समझिएगा कि जैसे आपने ये कोई क्या ले लिए, चालक ले लिए। क्या ले लिए प्यारे बच्चों, कोई चालक ले लिए। क्या ले लिए, कोई चालक ले लिए। अब इस चालक में ये कुछ इस प्रकार था, ठीक। अब क्या होता है, इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा थी वो आई थी, ठीक। वो प्रवाहित होने वाली धारा ऐसे थी, ठीक प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें से कोई एक भाग आप काट लीजिए, एक भाग काट लीजिए, तो इस कटा हुआ जो ये भाग होगा, ये कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये ए कहलाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो क्या कर रहे हैं, किसी भी पृष्ठ के, किसी भी पृष्ठ के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से, किसी भी पृष्ठ के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी पृष्ठ के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से, किसी भी पृष्ठ के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा जो होती है वो धारा घनत्व कहलाती है। प्यारे बच्चों अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, किसी, क्या लिखें, किसी पृष्ठ के एकांक परिच्छेद, एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है, धारा ही धारा घनत्व कहलाती है, ठीक डियर स्टूडेंट। ये हो गए धारा घनत्व, ठीक। अब इसका मात्रक की चर्चा करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर हो गए, ठीक एम्पियर। और ए, ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो ये धारा घनत्व है वो भी समाप्त हो जाते हैं। फिर अब हम लोग किधर की तरफ आते हैं, आपकी अगली हेडिंग आती है कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है। तो डियर गाइज चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। तो समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का
अनुगमन वेग, क्या इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, अपवाह वेग ऐसे भी कभी पूछ लेता है एक नंबर में, या तो पूछता है अनुगमन वेग क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, एक चालक बनाते हैं, क्या करते हैं एक चालक ले लेते हैं, समझिएगा। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक बात ये हो गया, ठीक ये हो गया कोई चालक, ठीक ना। अब इसमें जो उपस्थित मुक्त आयन रहते हैं, सुनिएगा, जो इसमें मुक्त आयन रहते हैं, उपस्थित मुक्त आयन रहते हैं, वो ये चारों तरफ क्या होते हैं, एक दूसरे से गतिशील रहते हैं निरंतर, बिना दिशा का, कोई इधर कोई इधर कोई उधर की तरफ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ये चारों तरफ गति करते रहते हैं। समझिए भैया, हमने क्या कहा कि जब किसी कोई चालक लेते हैं, कोई तार लेते हैं, तो जो तार में उपस्थित जो मुक्त आयन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो तार के अंदर निरंतर एक गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा फिर से समझिएगा, क्या होता है जब किसी चालक में जो उपस्थित आयन रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं और इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। और जब किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, जब किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो चालक में उपस्थित आयन, चालक में उपस्थित मुक्त आयन क्या होते हैं, वो चालक में मुक्त उपस्थित मुक्त आयन क्या होते हैं, वो एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा सा समझिएगा, हमने क्या बताया कि ये एक निश्चित दिशा में क्या करने लगेंगे, गमन करने लगेंगे, तो ये जो चारों तरफ चलने वाले थे वो क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में क्या करने लगेंगे, गमन करने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जब एक निश्चित दिशा में क्या करेंगे, गमन करेंगे, एक निश्चित दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक निश्चित दिशा में गमन करने के पश्चात ये एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। ध्यान समझिएगा, ये आयन इससे टकराया, ये आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, ये आयन इससे टकरा गए, ये आयन इससे टकरा गए, तो टकराने के बाद ये जो बैटरी से ऊर्जा प्राप्त किए रहते हैं उस ऊर्जा को खो देते हैं, उस ऊर्जा को खो देते हैं। फिर से समझिएगा, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी से ऊर्जा पाने के पश्चात ये जो आयन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो गति करने के पश्चात वो धनायनों से टकराते हैं, ये धनायन इस धनायन से, ये धनायन इससे, ये एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद जो प्रारंभिक ऊर्जा जो बैटरी से ऊर्जा प्राप्त किए रहते हैं उस संपूर्ण ऊर्जा को खो देते हैं। तो संपूर्ण ऊर्जा को खोने के बाद इनमें एक मामूली सा वेग रहता है, एक नाम मात्र का एक हल्का सा वेग रहता है, जिसके कारण ये कुछ दूरी विस्थापित करते हैं, कुछ दूरी चलते हैं, वही क्या कहलाता है, वह वेग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोग लिखना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है। हमने क्या बताया, जब किसी तार को या चालक को, जब किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, रखा जाता है, तो उसमें उपस्थित, तो उसमें उपस्थित मुक्त आयन, मुक्त आयन बैटरी द्वारा, बैटरी द्वारा प्राप्त ऊर्जा, बैटरी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को पाकर, पाकर एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, गमन करते करते, एक निश्चित दिशा में गमन करते करते एक दूसरे से टकरा जाते हैं,
एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, ठीक, अपनी ऊर्जा को बैटरी के द्वारा पाई गई ऊर्जा को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, तथा एक हल्की फुल्की, उसको आप लोग क्या लिखोगे, हल्की फुल्की शब्द को आप क्या लिखोगे, एक छोटे वेग से क्या होते हैं, थोड़ी दूर विस्थापित हो जाते हैं, एक छोटे वेग से आगे की तरफ चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यह वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है, अनुगमन वेग वीडी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार अनुगमन वेग को आप परिभाषित कर सकते हो। इसी में आता है श्रांतिकाल, क्या आता है श्रांतिकाल, जिसे आप क्या कहते हो, टाउ से व्यक्त करते हो। तो डियर स्टूडेंट, श्रांतिकाल को भी समझ लिया जाए तो समझिएगा, क्रमागत दो धनायनों के टक्करों के बीच का वह समय अंतराल, बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, एक के बाद दो। तो ये जो पहला धनायन होगा और ये जो दूसरा धनायन होगा, पहला धनायन वाला दूसरे धनायनों से टकराने में लिया गया समय ही क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। इसे हम लोग टाऊ से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रमागत दो धनायनों के टक्करों के बीच का समय अंतराल ही श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक डियर स्टूडेंट, ये होता है आपका अपवाह वेग और अनुगमन वेग और श्रांतिकाल। अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं इसी में, अब इसी टॉपिक से, वो भी आप समझिएगा, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या टॉपिक है डियर स्टूडेंट, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट हेडिंग ये भी है आपका, आप कह सकते हैं इसे, तो ठीक, क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आप इसमें क्या बनाओगे, जिससे इससे पहले आपने क्या किया था, एक चालक लिए थे, हम मान लेंगे एक चालक हो गए, ठीक, इसको आप लोगों ने क्या किया था, एक परिपथ से जोड़ा था, ये प्लस किए होंगे और ये क्या किए थे, माइनस किए थे। फिर आप लोगों ने क्या बनाया था प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक, ये जो है, जो धनायन उपस्थित थे वो एक निश्चित दिशा में क्या करने लगे थे, गतिशील हो गए थे, ऐसे कुछ, ठीक, एक निश्चित दिशा में क्या करने लगे थे, गमन करने लगे थे प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों ने क्या बनाया था, इसी में से एक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल काट लिए थे, ठीक, ये हो गए, ठीक। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हमने डायग्राम बना के रखा है,
हमने एक चालक लिया है, ठीक, जो कि चालक PQ है। अब इस तार की पूरी लंबाई आप क्या मान लोगे, L मान लोगे, पूरे तार की लंबाई क्या मान लोगे, L मान लोगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि इसको आप लोगों ने एक वैद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, डियर स्टूडेंट। अब आप समझिएगा जरा सा, जब आप इसे वैद्युत क्षेत्र से जोड़ा, जब आपने बैटरी से जोड़ा, तो बैटरी से जोड़ने के बाद जो ये मुक्त आयन थे वो इधर से इधर की तरफ क्या हो गए, गतिशील हो गए, अपवाह वेग से चलने लगे। तो अपवाह वेग चलने के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसे आई कहते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये प्रवाहित होने वाली धारा वो इस प्रकार होगी, ठीक प्यारे बच्चों, ये ऐसे की तरफ, ये ध्यान दीजिएगा, आपके अनुगमन वेग के विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होगी, ठीक। अब मानते हैं, माना माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई कितनी है, L है, तथा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है, क्या है, A है, ठीक प्यारे बच्चों, A है। फिर उसके बाद क्या है, तथा विद्युत क्षेत्र क्या मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है भैया, E है, विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, ध्यान से समझिएगा। और P और Q के बीच का विभव, P और Q के बीच का विभव, P और Q के बीच का विभवांतर, का विभवांतर क्या है, ध्यान से समझिएगा, P और Q के बीच का जो विभवांतर है वो हम मान लेते हैं V है। माना तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ पर तार के अनुप्रस्थ पर छेद का क्षेत्रफल A है, विद्युत क्षेत्र E है, P और Q के बीच का विभवांतर V है, तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमने क्या पढ़ा है, तब E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर V बटे L, E इक्वल टू डी वी अपान डी आर से, तो V अपान कितना आ गया, L, समीकरण नंबर क्या आ गया, एक आ गया। अब हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण चालक में उत्पन्न धारा या परिपथ में उत्पन्न धारा, यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण, अनुगमन वेग के कारण परिपथ में उत्पन्न धारा, परिपथ में उत्पन्न धारा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू अपान टी, समीकरण नंबर क्या हो गया, एक, दो हो गए, क्या हो गया डियर स्टूडेंट, दो हो गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्यू निकालेंगे कि क्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मानते हैं, माना जो ये चालक है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यन है, क्या मान लेते हैं, माना इस चालक में किसी भी, इस चालक का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा है वो क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, स्मॉल एन मानते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माना माना चालक में उपस्थित, क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, चालक में, या ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, एक लाइन और नोट करते हैं जरा सा इसको बाद में, आई इक्वल टू क्यू अपान क्या हो गए, टी हो गए। आप सोचो आपको क्या निकालना है, क्यू का मान निकालना है, तो आप जानते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करना है ना, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैसे ज्ञात होगा, अब पता करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी तय करेगा उतने ज़्यादा, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीस सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा औसत वेग, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग Vd इंटू कितना हो गया t, यानी जो t सेकेंड में इलेक्ट्रॉन दूरी तय करेगा वो क्या आ जाएगा, Vd इंटू कितना आ जाएगा, t हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब क्या करते हैं, अब हम मानते हैं, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, माना
इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। तो पूरे बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे इस पूरे परिपथ में पूरे बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पूरे बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्यारे बच्चों पूरे बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेते हैं? कैपिटल N। क्या मान लेते हैं? कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया? एका किसी भी एक परिच्छेद में वो पूरे इनके N है, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा? N गुणे एकांक परिच्छेद का आयतन, किसी एक परिच्छेद का आयतन, तो किसी एक परिच्छेद में जितने होंगे वही आपका हो जाएगा N गुणे परिच्छेद का आयतन, परिच्छेद का आयतन। तो प्यारे बच्चों किसी का भी आयतन ज्ञात करना हो बेलन के लिए तो क्या हो जाता है? आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होते हैं? ऊंचाई होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये N हो गए गुणे लंबाई। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस आयतन को हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है, आयतन को हम लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई परिच्छेद का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल और गुणे का हो जाएगा दूरी। दूरी क्या हो जाएगी? लंबाई। जो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी है वो लंबाई का काम करने लगेगा। तो N हो गए परिच्छेद का क्षेत्रफल, a माने हो, और जो दूरी तय किया है वो दूरी कितना है? VD इंटू कितना है? T है। तो ये N बराबर क्या आ गए? N a VD इंटू कितना आ गया? T आ गए। N a VD इंटू T समीकरण नंबर क्या बना लिए आप डियर स्टूडेंट? इसे आप लोग समीकरण नंबर क्या बना लोगे? 3 बना लोगे। आपको तो ये ज्ञात नहीं करना, आपको क्या ज्ञात करना? आवेश की मात्रा क्यों ज्ञात करना? तो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है डियर स्टूडेंट? Q बराबर आपने पढ़ा है एन ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मान क्या है? N A V D इंटू टी इंटू कितना है? E है। आप इसे हल करोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल N E A V D इंटू टी, ये Q का मान आ गया समीकरण नंबर 4। अब आप Q बराबर आ गया N E A V D इंटू कितना आ गया? T आ गए। अब समीकरण 2 में Q का मान रखने पर या समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है? I बराबर Q बटे T है। तो Q का मान कितना है? N E A V D इंटू T अपान कितना है? T। तो T से क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो I बराबर आ गए N E A वी डी इंटू कितना? ख़त्म। यानी किसी भी परिपथ में जो बहने वाली धारा I होती है, एक कैपिटल N है, तो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा I जो होती है वो प्रोपोर्शनल होता है वी डी के, यानी जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा डियर स्टूडेंट उतनी तेज़ी से प्रवाहित होने वाली धारा ये होगी। तो प्यारे बच्चों आप ये इस प्रकार आप इनको क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। तो ध्यान से समझिएगा, क्या आपने कहीं थोड़ी सी आप Q बराबर क्या लिखे थे? N इंटू E, तो N का मान था स्मॉल N, तो आप यहाँ स्मॉल N लिखेंगे, यहाँ भी स्मॉल N हो जाएगा, तो यहाँ भी स्मॉल N, तो आप यहाँ भी क्या आ जाएगा? स्मॉल N आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से समझिए, ये N भी नियतांक है और क्या है? E भी नियतांक है, A भी नियतांक है। यानी किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा I अनुगमन वेग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कभी कभी पूछ लेता है विद्युत धारा और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप समझना चाहते हो विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, तथा धारा घनत्व में संबंध, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ा था J बराबर क्या होते हैं? I बटे A। तो I का मान आप यहाँ से रख सकते हैं, क्या रख देंगे? N E A V D अपान A, A से A कैंसिल हो गए, तो J बराबर N E V D, ये संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों
क्या हो गए, धारा विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, या आप कह सकते हो अनुगमन वेग। यहाँ क्या लिखना चाहिए था, अनुगमन वेग। क्या लिखना चाहिए था, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है कि जितना अनुगमन वेग होगा उतना ही ज़्यादा धारा घनत्व होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अच्छे से टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।